अस्सलाम वालेकुम आदाब, उज़्मा शाकिर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी टीपीसीसी। देखिए, मेरा तो सोशल 1994 से शुरू हुआ है। मैंने ऑल ओवर इंडिया सोशल वर्क किया है और मैं काफ़ी अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे मामू जो हैं प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, उनकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी में आई हूँ। मेरे दादा जो थे वो पोलिटिकल एडवाइज़र थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के, और मैं 2018 में यहाँ एस्पिरेंट एमएलए थी राजेंद्र नगर से, लेकिन ये सीट जो है फिर अलायंस में चली गई टीडीपी को। इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू जी के यहाँ से मेरे को फ़ोन आया था कि आप टीडीपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ से देंगे। मेरे अंकल उनको फ़ोन करे थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, लेकिन मैं वो तब नहीं मानी क्योंकि मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगी इंशाल्लाह मरते दम तक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। और अब की बार भी इंशाल्लाह राजेंद्र नगर से ही मैं सीट देख रही हूँ एमएलए की। क्या उम्मीद है आपको वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आएगी? हाँ, क्यों नहीं आएगी? कोविड में हम यहाँ पे मेहनत करे हैं, आवाम की खिदमत करे हैं और आए दिन भी करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया, कांग्रेस पार्टी को जिताया, कांग्रेस पार्टी को सिलेक्ट किया कर्नाटक में हुकूमत बनाने के लिए। ये साबित करता है कि राहुल गांधी जी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलने निकले थे, वही मोहब्बत की दुकान को पसंद किया है कर्नाटक की आवाम ने। कर्नाटक की आवाम ने जो है नफरत भरी सोच का साथ नहीं दिया है, जो फिजा नफरत की थी उसको साथ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना में भी कर्नाटक की जैसे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर तेलंगाना की हर गली तक जो है कांग्रेस पार्टी है, और यहाँ के लोग भी, यहाँ की आवाम भी जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। इंशाल्लाह 2023 में आपके इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जिताएगी और 2024 में राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाएगी। शुक्रिया। मैंने जैसे आपको बोला ना कि लोग जो है मोहब्बत को, अमन पसंद रहना चाह रहे हैं, खुली फिजा में सांस लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस को पसंद करें क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने अब की बार कर्नाटक में काफी सहूलतें दी हैं आवाम को। हर जगह आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कश्मीर में, तेलंगाना में इलेक्शन है, हर जगह जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ा है, तो हर स्टेट में इंशाल्लाह अब कांग्रेस की हुकूमत होगी। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद क्या फायदे होंगे, क्या करने वाले? देखिए, हाल ही में जो यूथ के लिए अभी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं जिसमें बम्पर प्राइस स्कूटी है यहाँ तेलंगाना में, फिर लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, फोन्स हैं, तो हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज हैं। जैसे इलेक्शन के करीबी क्यों आती है पॉलिसी में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अब देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहां ऑलरेडी जो है 500 रुपए में गैस सिलेंडर है। बैंगलोर, कर्नाटक में तो अब करे 500 रुपए गैस सिलेंडर। जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां वहां कांग्रेस पार्टी आवाम को मद्देनजर रखते हुए जो है योजनाएं और सहूलतें लाती है। अब ये देखा गया है कि जो 2024 के जो है इलेक्शन आ रहे हैं, तो मोदी की हर चीज की जो है दाने गिरा रहे हैं, तो उनका काम ये था कि जो है पूरे 5-10 साल तक की कीमतें की गिरावट करे, ना कि जो है इलेक्शन का खरीद करे ताकि बीजेपी की तरफ मुतवज्जे हो जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जब से आया है, तब से हिंदुस्तान की आवाम रोड पे है, चाहे वो नोटबंदी था, GST था, ट्रिपल तलाक था, CA, NRC था, हर मुद्दे पे जो है आवाम रोड पे आई है।
ये सरकार जो है ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की, अदानी की, अंबानी की सरकार है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, अदानी और अंबानी का मुलाजिम है, उनके लिए काम कर रहा है, उनकी जेबें भर रहा है। अवाम को क्या सहूलत पहुंची है? 10 साल में आप अवाम का खून चूस रहे हैं, 9 साल में, और 10वें साल में आप चीजों में गिरावट ला रहे हैं। कौन सी चीज गिरी है? फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के पीरियड में 350 रुपए का गैस सिलेंडर था। उसके बाद जब 400 में गैस सिलेंडर हुआ, स्मृति ईरानी और लेट सुषमा स्वराज जी दिल्ली की सड़कों पे निकल के तांडव करी हैं 50 रुपए बढ़ने से। तब इनको यही महंगाई 50 रुपए बढ़ने से जो है डाइन दिखती थी। अब स्मृति ईरानी जी हैं, स्मृति ईरानी जी अंधी भी हो गई हैं, बहरी भी हो गई हैं, उनको अब ये महंगाई डाइन नहीं दिख रही, डार्लिंग दिख रही। जबकि वही गैस सिलेंडर 850 रुपए और बढ़ गया, 1250 रुपए का है गैस सिलेंडर कर्नाटक में। तो इसके खात्मा कैसा होगा? ये बीजेपी जाने के बाद जो रेट गिरी, बीजेपी जाने के बाद ही रेट गिरेंगे। देखिए, खाली कर्नाटक में ही नहीं, खाली तेलंगाना को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को अगर कोई पार्टी चला सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पक्षपात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी जो है भारत को जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम नहीं कर रही है। जो भारत बिखर गया है, जो भारत टूट गया है, राहुल गांधी जी उसी भारत को जो है एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने के लिए निकले हैं, और खूबसूरत गुलदस्ता बना दिए हैं।